उष्णा की उस सेमेस्टर की फीस देनी है। तो फीस जमा करानी है आखिरी तारीख की। तो करवा दो, किसने रोका है? मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको क्यों जहमत देती। तो सीधे सीधे कहो पैसे चाहिए। मामा चाय पीने। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी किचन में जाके खुद चाय बनाने की? अब इस घर में इतने टाइम से रहते हैं, अब चाय बनाने के लिए भी मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम्हें पता है भाभी को पसंद नहीं है हमारा किचन में जाना और इधर उधर काम करना। उनकी नापसंदीदगी की वजह यह है कि कहीं हम इस घर पर कब्जा ना कर लें, वरना उन्हें हमसे कोई खास हमदर्दी नहीं है। जो भी है, क्या जरूरत है हालात को बिगाड़ने की? जैसा है चलने दो ना। मैं कोई हालात नहीं बिगाड़ रही, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ रह ही रहे तो हमारे होने का एहसास तो हो उन्हें। छोड़ो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें? जी बस जा ही रही हूँ। बस तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तुम्हारी क्या राय है मेरे बारे में? कागज के शेर और मैं ढेर। कुछ कहा तुम्हें? नहीं तो बताओ कोई बात है तो। वो कल सेमेस्टर की फीस की लास्ट डेट है। आखिरी डेट है? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया था मैंने, एक दो बार बाबा के जाने के बाद भी जिक्र किया था, लेकिन शायद परेशानी में आपके जहन से निकल गया। परेशानी में ध्यान ही नहीं रहा मुझे। हाँ तो याद करा देती ना, दोबारा बता देती। किसके भरोसे? आपके पास कौन सा खजाना है जिसमें से निकाल निकाल कर मुझ पर खर्च करेंगी? अरे पहले बताती तो कोई हल तो निकालती ना मैं। अब बता दिया ना, क्या हल निकाल रही हैं आप सिवाय परेशान होने के? इसीलिए नहीं बता रही थी। अरे कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? परेशानी छुपाने से कभी मसले का हल निकला है? यहाँ हल है ही कहाँ, सिर्फ परेशानी परेशानी है। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं होते, गुनाह होता है। मैं करती हूँ ना भाई से बात, वो दे देंगे फीस। ये भरम मत तोड़े अपना, दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं जो पढ़ाई अधूरी छोड़ देती हैं, उनमें एक मेरा नाम भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम परेशान ना हो, मैं भाई से करती हूँ बात। तुम चाय पियो, मैं बात करके आती हूँ। भाई वो आपसे बात करनी थी। वो उष्णा की उस सेमेस्टर की फीस देनी है। तो फीस जमा करानी है आखिरी तारीख की। तो करवा दो, किसने रोका है? मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको क्यों जहमत देती। तो सीधे सीधे कहो पैसे चाहिए। ये बात अंदर नहीं कर सकती थी या बाहर आके करनी जरूरी थी? वहां भाभी, फिर वो भाभी क्या है यार, जबान पकड़ लेती है तुम्हारी, हर वक्त तो तुम्हारे अच्छे के लिए सोचती रहती है। और तुमों के खैर, इस महीने मैंने सदफ की फीस जमा करा दी है, हाथ तांगे मेरा। अपनी बेटी से कहो अगले सेमेस्टर में इम्तिहान दे, ठीक है? सईद चलो। हाँ भाई से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ हाथ तक है, अगले सेमेस्टर में फीस दे देंगे। मैं शुजाफ भाई से बात करूंगी, वो मान जाएंगे, बात दे देंगे पैसे। कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। तुम कैसे करोगे? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगी। खुदा हाफिज़। क्या करे